subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वंडर वर्टेक्स एंड टेक्निक्स में आपको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नॉर्मल LNB और ब्लैक अल्ट्रा LNB में कितना फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज यूटेल सेट 9 को ट्रैक किया है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लैक अल्ट्रा LNB को यूज़ किया है इस 4 फिट की डिश एंटीना पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं, और इसके बाद मैं इसमें नॉर्मल LNB को यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग को आप अच्छी तरह देख लें, और आप इस वीडियो को बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहला चैनल, ये देखिए सिलसाल 1 चैनल है फ्रेंड्स, और मैं आपको इसके सिग्नल भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे पास इसके अच्छे सिग्नल रिसीव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस TP को आप नोट कर लें, ये इस सेटेलाइट की आसान TP है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस सेटेलाइट के 105 चैनल रिसीव हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दिन के 11 बज चुके हैं, और मेरे पास फ़िलहाल इतने ही चैनल रिसीव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जल्दी से कुछ चैनल दिखाता हूँ, ये देखिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे पास इस सेटेलाइट के 105 चैनल रिसीव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इन चैनल्स को नोट कीजिए। ये देखिए, ये निक चैनल है, ये कार्टून चैनल होता है फ्रेंड्स, और मेरे पास ये 4 फिट की डिश एंटीना पर रिसीव हो चुका है। और ये देखिए, ये कॉमेडी सेंट्रल चैनल है, ये भी मेरे पास रिसीव हो चुका है। ये BBC वर्ल्ड चैनल है फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं आपको नॉर्मल LNB पे ये चैनल दिखाऊंगा, और आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि नॉर्मल LNB और ब्लैक अल्ट्रा LNB में कितना फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डिलक्स चैनल है, और भी काफ़ी चैनल्स है जो मेरे पास 4 फिट की डिश एंटीना पर ब्लैक अल्ट्रा LNB पर चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल LNB आपको पाकिस्तान में 250 से 300 तक मिल जाती है, लेकिन ब्लैक अल्ट्रा लेज़र LNB आपको कम से कम 1500 रुपये की एक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस LNB का जादू भी देखिए, और आप नॉर्मल LNB के भी रिज़ल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपने सारे चैनल देखे, ये देखिए, ये सारे चैनल इस LNB पर बिल्कुल वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको नॉर्मल LNB पर इसी सेटेलाइट के चैनल्स दिखाता हूँ, और देखते हैं कि नॉर्मल LNB पर कितने चैनल वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस ब्लैक अल्ट्रा LNB को निकाल दिया है, और मैंने इस 4 फिट की डिश एंटीना में ये नॉर्मल LNB सेट कर दिए है फ्रेंड्स, और आप इसकी सेटिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने ब्लैक अल्ट्रा LNB की सेटिंग देखी थी। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस LNB का भी रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, और देखते हैं कि मेरे पास इस LNB पर कितने चैनल वर्क कर रहे हैं यूटेल सेट 9 पर। और इससे पहले आपने देखा कि मेरे पास 105 चैनल चल रहे थे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सबसे पहला चैनल सिलसाल 1 चैनल है फ्रेंड्स, और देखते हैं कि मेरे पास इसके सिग्नल, ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मेरे पास सिग्नल रिसीव हो चुके हैं, लेकिन ये लास्ट चैनल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर मेरे पास नो सिग्नल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद कुछ ही चैनल मेरे पास वर्किंग कर रहे हैं इस नॉर्मल LNB पर। ये देखिए, इस TP पर शायद 7-8 चैनल हैं फ्रेंड्स, वो वर्क कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं कि और चैनल वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर भी नो सिग्नल, और ये रहा निक चैनल, यहाँ पर भी नो सिग्नल है फ्रेंड्स। तो
ये देखिए ये बीबीसी वर्ल्ड, यहाँ पर भी नो सिग्नल है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल एलएमबी की रिज़ल्ट ब्लैक अल्ट्रा के सामने कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस एलएनबी को आप ख़रीद सकते हैं और इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी हार्ड सेटेलाइट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप मेरी बात माने तो आप ब्लैक अल्ट्रा एलएनबी को ही यूज़ कर सकते हैं, वरना आम एलएनबी पर उसके सिग्नल आपको मुश्किल से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा, ये देखिए ये कुछ और भी चैनल इस नॉर्मल एलएनबी पर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 या 20 चैनल मेरे पास रिसीव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।